अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माय सेल्फ जुनैरा राजपूत। टुडे इज़ आवर 11 टॉपिक ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिस पर आज हमने बात करनी है ऑटोमेटिकिटी, मतलब खुद ब खुद होना। ठीक है, इट इज़ अबिलिटी टू डू थिंग्स विदाउट ऑक्यूपाइंग द माइंड विद द लो लेवल डिटेल रिक्वायर्ड, अलाउइंग द बिकम एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पैटर्न और हैबिट। इट यूजली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस। एग्जाम्पल ऑफ टास्क कैरिड आउट बाई मसल मेमोरी ऑफन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिकली आर कॉमन एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, स्पीकिंग, बाई साइकिलिंग, राइडिंग असम्बली लाइन, वॉक, ड्राइविंग अ कार, समटाइम बींग ट्रम्प्ड आफ्टर एन एक्टिविटी या सफिशेंट प्रैक्टिस इज पॉसिबल टू फोकस माइंड ऑन अदर एक्टिविटी और थाट वाइल अंडरटेकिंग और ऑटोमाइज एक्टिविटी, होल्डिंग अ कॉन्वर्सेशन और प्लानिंग अ स्पीच वाइल। करैक्टरिस्टिक्स जोहान बार्ग 1994 में उसने रिसर्च की थी और उसने 4 करैक्टर्स जो उनसे थे वो दिए थे, अवेयरनेस, एफिशिएंसी, कंट्रोलेबिलिटी और इंटेंशन। अ पर्सन में बी अन अवेयर ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट इज अकरिंग। अ पर्सन में नॉट बी इन्वॉल्व विद द इंटेंशन ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस टेंड टू हलो कॉग्निटिव लो रिक्वायरिंग रिलेटिविटी लो मेंटल रिसोर्स। अ पर्सन मे नॉट हैव टू बिल्ड टू स्टॉप अल्टर अ प्रोसेस आफ्टर इमिटेशन। बार्क स्टेट चीज आर सिंपली कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, नॉट आर द नीडिंग प्रोसेस टू बी कंसिडर ऑटोटोमिक फॉर इन स्टीरियोटाइप एक्टिवेशन हैज बीन डिस्क्राइब ऑटोटोमिक प्रोसेस। Therefore, stereotype activation only satisfied 2 of Bar criteria, but is still considered to be an example of autotomic processing. How is skill autotomic? According Ponser and Sinder, a skill occurs without intention, do not give rise to consciousness, do not interfere with mental activity. उसके बाद रिजल्ट, द डिफरेंट कैटेगरी कंडीशन, रिएक्शन टाइम वाज 80 मिलीसेकंड एंड एक्यूरेसी वाज 95। इन द सेम कैटेगरी कंडीशन रिएक्शन टाइम वाज 100 मिलीसेकंड एंड एक्यूरेसी वाज आल्सो 95 डिग्री। इन द डिफरेंट कैटेगरी कंडीशन और इफेक्ट फ्रॉम फ्रेम साइज। इम्प्लीकेशन, शर्फन आर्ग्यू डैट डिक्रेटिव नंबर अमंग लेटर डिड नॉट प्लेस एनी लोड ऑन द कैपेसिटी डैट इज बाय सब्जेक्ट वर नॉट अफेक्टिव बाय फ्रेम साइज। डिडक्टिंग लेटर अमंग लेटर हो एवर वॉज अ हार्ड टास्क विथ प्लेस द लोड ऑफ अटेंशन कैपेसिटी विच अफेक्टिव बाई नेगेटिविटी ऑफ फ्रेम इंक्रीज। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी इसी के ऊपर है। इसके अंदर सिर्फ जस्ट हमें इसका इंट्रोडक्शन करना था, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हो जाएंगे।